की आज विदाई समारोह है। ये बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे और नगर पंचायत के सकुशल व्यवस्था में सब रहे और सारी व्यवस्थाओं को बढ़िया रूप से चलाए। हम लोगों को इनको विदाई समारोह आज इनका है, इच्छा इनकी पूरी करें और ये स्वस्थ रहें। अपना परिचय दीजिए आज। मैं उमाशंकर। कस्बे की समस्या को लेकर जो है बोर्ड की बैठक थी, उसमें सभी सरसम्मत से जो है प्रस्ताव पास हुआ और हम अपने चेयरमैन साहब यो साहब को जो है इस बात की बधाई देते हैं कि उन्होंने सभी प्रस्ताव को सरसम्मत से पास किया और आज जो है प्रमोद जी चाचा जी वर्ष तक इन्होंने लोगों की सेवा किया और 31 तारीख को इन्होंने रिटायर हुआ और सफाई नायक पद पे थे। इन्होंने हमेशा नगर पंचायत में एक अच्छी सुझाव दिया और एक अच्छी भावनाओं से लोगों को प्यार और मोहब्बत से जो है जोड़ा और उम्मीद रखते हैं कि ये हमसे जुदा जरूर हुए हैं नगर पंचायत से, लेकिन हमारे दिल से जुदा नहीं है। हम इनको रोज याद करते रहेंगे और आने वाले दिनों में इनकी जो सलाह है उस पर हम लोग भी खरे उतरेंगे और लोग भी इस पर खरे उतरने का। जनता को सबसे पहले इस बात की बधाई देना चाहते हैं कि जो 15 वर्ष के बाद इन्होंने परिवर्तन लाया और जो विकास की तरफ आज कस्बा कोपागंज के नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो है आमिना सिद्दीका, उनके पति अरशद जमाल ने जो विकास की तरफ चल रहे हैं, ये सबसे उपलब्धि है कस्बा कोपागंज के लोगों की कि जो विकास की तरफ आज विकास बढ़ा। प्रमोद कुमार राय, यहाँ मैं कर्मचारी था और 31 अगस्त को मैं सेवानिवृत्त हो गया। रक्षा बंधन के त्यौहार के नाते हमारी विदाई नहीं हो पाई। आज हमारे इस मान्य सभासद लोग और पूरे कर्मचारियों ने मिल करके आज विदाई समारोह का समय निर्धारित किया और मेरा यह अनुभव रहा 33 साल सेवारत रहा। वक्त अपना गुजारा जो नगर पंचायत में लोगों को सेवा भाव जी काफी आपने ईमानदारी से काम किया जी। आज आपकी विदाई समारोह किया जा रहा है, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए विदाई समारोह, विदाई तो खुद अपने आप में विदाई होती है। आज मैं बहुत भावुक होकर के मैं अपने पूरी कस्बे के जनता के तरफ से माननीय सभासदगण, जितने कर्मचारी हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और जो सम्मान और प्यार इस दिया कस्बे के लोग, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं सेवा से अलग हुआ हूं, लोगों से अलग नहीं हुआ हूं।